All right, welcome back to my channel, Indian Echo Boy, back with a new video. So it's another vlog. तो इस vlog में हम ये करने वाले हैं कि जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि ये जो मेरे दो पैरेट्स हैं, इनको मैं शिफ्ट करूंगा जो हमारा ऑस्कर वाला पॉन्ड जो मैंने इंडोर में बनाया, जो आपने देखा हुआ है, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आई एम मूविंग दीज टू आउट टूडे. फिर कुछ दिनों बाद, एज इन अभी मैं आज जैन ग्रॉमी को फिलहाल इसमें रहने दे रहा हूँ, बट फिर ये जो हमारी फ्लोरोन है, ये फ्लोरोन आएगी ऊपर और जैन ग्रॉमी जाएगी नीचे, बिकॉज फ्लोरोन को मैं ऊपर अच्छे से इस तरह यहाँ पर देखना चाहता हूँ, बिकॉज काफी एक्टिव और बहुत प्यारा कलर आ रहा है. तो बेसिकली वीडियो उसी पे ही है. हाँ, बाय द वे, जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई का ये मैंने फिश फूड ऑर्डर कर दिया है, सो आई डोंट नो कि कैसी क्या क्वालिटी है, तो ट्राई करेंगे इसको भी और इसको भी फीड करेंगे. तो चलिए जल्दी से पहले सबको फीड कर देता हूँ और फिर हम इनको ट्रांसफर करते हैं अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये इसका देखते हैं कैसे पहले थे. तो ये शायद कैसे इस तरीके से चलेगा. वाओ, इसके पैलेट्स तो काफी बड़े और अच्छे खासे दिख रहे हैं. आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले से कितने बड़े पैलेट्स हैं गाइस इसके, तो मैं यही देखना चाह रहा था. चलिए फिलहाल इसको इसमें कुछ ट्रांसफर कर लेता हूँ. बड़े हैं, चलिए आज फीड करते हैं इनको. आइए, तो ये रहे हमारी फिशेस और इनको डालता हूँ. अब शायद मजा आएगा आज. अब इनको आज मजा आ रहा है क्योंकि आज बड़ी पैलेट्स खाने को मिल रहे हैं इनको. गाइस ये मैं नाइट को व्यू, मतलब नाइट को कर रहा हूँ ये शो, तो थोड़ा सा अगर क्लैरिटी ना देखे तो सॉरी फॉर दैट. बट ये देखिए खाने को, आई गेस अब ये पैलेट थोड़ा बढ़िया रहेगा. आई गेस ओनली कि जो छोटी वाली गुरामी है वो स्ट्रगल करेगी खाने के लिए, अदरवाइज सब बाकी सब तो ईजिली खा जाएंगे, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है. तो छोटी वाली गुरामी के लिए मैं ये अपने छोटे पैलेट्स थोड़े से डाल दिया करूँगा. वो रहा मिनी पॉन, वो भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ. ये रहा हमारा मिनी पॉन, मस्त सारी सब घूम रही हैं. इसके लिए मैं खाना निकाल देता हूँ थोड़ा. ये चलिए डालता हूँ इनके लिए खाना और ये देखिए कैसे आएंगी. ये देखिए सारी आते हुए, जन्नत, इट्स अ जन्नत गाइस. ये देखिए सारी फ्राइज, और आज रिफ्लेक्शन नहीं आ रही तो अच्छे से दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज रिफ्लेक्शन पड़ जाता था हर बारी. देखिए ये देखिए, अगर आप फ्राइज भी देख पा रहे हैं तो चलिए अब अंदर चलते हैं. चलिए अब है फ्लोरोन की बारी, उसको खिला रहा हूँ एवरेड, जो आप ये देख सकते हैं. और ये देखिए इसको पता लग गया है, यहाँ से डालते हैं नीचे खाते हुए. ये देखिए ये जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो काफ़ी प्यारी दिखेगी, और ये वहाँ से इसमें आ जाएंगे, आराम से एडजस्ट हो जाएंगे. बाद में टाइम के बाद चेंज कर दूँगा, बट इसको मेरे को अच्छे से रखना है ऊपर, इसलिए इसको चेंज करेंगे बाद में. तो डू सब्सक्राइब, जब इसको चेंज करूंगा तो आप वो वीडियो देखें और आप उस ब्यूटी को यहाँ पे देखेंगे. चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर ऑस्कर्स को और टर्टल्स को फिर फीड करते हैं. चलिए पहले मैं टर्टल को डाल देता हूँ, अभी तो ऑलरेडी घूम रहा है, तो इसको खाना चाहिए ऑलरेडी. ये देखिए ये उसने खाना स्टार्ट किया, और अब मैं ऑस्कर तो खाते ही, अब मैं डालता हूँ ऑस्कर्स के पैलेट्स यहाँ पे. ये देखिए, और अब ये देखिए छोटे वाले अटैक करेंगे एकदम. ये देखिए वो आराम से फट फट करके लेंगे सारे, मस्त होके खा रहे हैं. ये दिखाता हूँ, ये हमारा ट्रॉफी खाते हुए और ये हमारे यहाँ पर ऑस्कर्स खाते हुए, तो दोनों मिक्स खाती हैं. वो उनका खाते हैं, वो उनका खाते हैं, और इगुआना मासे हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको दिखा सकते हैं वहाँ पे अंदर आराम से घर के अंदर हैं. ये सब इसके अंदर
आराम से खाते हुए। तो ये है हमारी टाइगर ऑस्कर, ये है नॉट सो कॉल्ड अल्बाइनो, वो है लेमन ऑस्कर, सॉरी हाँ देखिए, ये रही हमारी कॉपर ऑस्कर और ये रही हमारी। इस कॉपर को बड़ी गंदी आदत पड़ चुकी है, ये सिर्फ वॉर्म खाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, तो ये रखा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए और मैं अगर ये डालूँगा तो ये इसको यही चाहिए बस। इसके अलावा कुछ खाती नहीं है, लेकिन ये छोटी वाली टाइगर को भी पता है कि वो यही खाएंगे, देखता हूँ कूदती है कि नहीं। वाह, दूसरी खा रही, तो ये टाइगर वाली कूद रही है इसके लिए, वो तेरी आई डोंट नो, देखा नहीं देखा अपने हैंड फीड किया है मैंने ऑस्कर को, गाइस हैंड फीड किया है मैंने ऑस्कर को। एक और बार ट्राई करता हूँ, हैंड फीड लेती है तो कौन लेगा, हैंड फीड कौन लेगा, हैंड फीड हैंड फीड हैंड फीड। भाई दोनों बार वो टाइगर ऑस्कर छीन के चला गया हाथ से। तो चलिए अब इसी में हम ऐड करने वाले हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो मैं ऐड करता हूँ। तो इस पॉलीथिन में वाइट सी पॉलीथिन ढूंढ रहा हूँ, स्टूपिड टाइप्स, वो ढूंढ के इसका पानी निकाल लेता हूँ, फिर डालता हूँ, फिर एक्लिमेट करने के लिए डालूंगा। तो चलिए गाइस अब बारी है इनको ट्रांसफर करने की, पानी मैंने इनका भर लिया है तो अब मैं निकालता हूँ इस पैरेट्स को। पहले निकाल रहा हूँ रेड वाली, ये हमारी रेड पैरेट। देखिए गाइस कितना प्यारा कलर है इसका, इसको निकालता हूँ। ये येलो वाली सबसे शैतान है, इसकी शैतानी कभी खत्म नहीं हो सकती है। अभी स्ट्रगल करवा लिया, पूरा पानी खराब करते हुए। ये हमारी येलो वाली देखिए सबसे शैतान। अब इसको मैं कवर में कर लेता हूँ। तो गाइस ये कर लिया मैंने देसी जुगाड़ और इस पॉलीथिन में डाल दिए, बट आई गेस उन्होंने अपना पंख या दांत ऑलरेडी मार दिया। तो चलिए इसको एक्लिमेट करते हैं। अब इसको एक्लिमेट करते हैं 20 से 25 मिनट, इसमें छोड़ देता हूँ और ये एक्लिमेट हो जाएंगी। ये होंगी इसमें आराम से एक्लिमेट। चलो मिलता हूँ आपको 20 मिनट बाद। और अभी फिलहाल ये राजा हो गई है इस एक्वेरियम की, अकेली है इस पूरे एक्वेरियम में, बट आई थिंक इसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा ग्रो होने में। ग्रो तो अच्छा कर रही है, बट जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है तो इसमें वो बहुत अच्छी दिखेगी, तो इसलिए ये अब जाएगी नीचे, ये आएगी ऊपर। गाइस अभी ऑलमोस्ट उनको एक्लिमेट होने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने कहा आपको अपने इगुआना भाषा से मिला दूँ। तो ये देखिए मैं इसको फिलहाल अभी ये देखिए वाटर स्प्रे कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आराम से करता हूँ उसको। और इसका कलर देखिए काफ़ी प्यारा होता जा रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आराम से आँख बंद करके एंजॉय करता है, ये देखिए। और ये इसके वाटर स्प्रे, तो ये वाटर स्प्रे इसको डिहाइड्रेट से बचाने के लिए, प्लस ये थोड़ा अभी शेड पे है तो इसके क्या बोलते हैं, इनको मॉइस्ट ह्यूमिडिटी एरिया में रहना पसंद होते हैं, प्लस शेड हो रहा है तो इसलिए जितनी जल्दी वेट होंगे तो उनकी स्किन गीली होके सूख के आराम से निकलेगी, और इट बी हेल्पफुल फॉर देम टू शेड इजीली। तो ये देखिए कितना प्यारा है, हो गया अंदर। चलिए अब बारी है फिश को हम निकालते हैं। चलिए ये गाइस हो गए हैं एक्लिमेट, तो इनको पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ। ये तो जाएगा नहीं इसमें, इसमें हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए गाइस
कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा कलर ये, वाओ। तो चलिए अब निकालता हूँ रेड वाली, नेट की जरूरत ही नहीं पड़ी गाइस, डायरेक्टली निकालिए। देखिए चलो इसको परेशान ना करते हुए ज़्यादा, ये देखिए आराम से, तो जल्दी से अब दिखाता हूँ आपको शिफ्ट होने के बाद वो रही हमारी रेड पैरेट और वो रही येलो पैरेट। तो गाइज इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके नीचे इनको हाइडिंग स्पॉट्स अच्छा है, तो ये सब इसके नीचे ऐसे ऐसे घुस जाती हैं, यहाँ पर घुस जाती हैं, वो देखिए तो यहाँ पर वो आराम से घुसी रहती हैं, और प्लस मतलब हाइडिंग स्पॉट्स भी हैं उनके पास, प्लस घूमती रहती हैं। और कुछ कुछ कंसर्न थे तो गाइज टच वुड, टर्टल तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से फिशेज के साथ रहे तो वो कभी अटैक नहीं करता और ऑस्कर्स भी नहीं कर रही, तो ये अब हो चुका है हमारा ऑस्कर एंड पैरेट फिश पॉन्ड एंड टर्टल पॉन्ड जो है मस्त घूम रहा है। और देखिए ये दृश्य, सारी फिशेज आते हुए और काफ़ी प्यारा दृश्य व्यू जो आप बोल लें, ये देखिए सब एक साथ 100 मीटर रेस लगाने के लिए रेडी हैं। टर्टल हमारा उल्टा भाग रहा है और बाकी सब इस साइड भाग रही हैं, तो ये पॉन्ड फील अलग ही है अगर आप देख पा रहे हैं। ये हो गया हमारा पॉन्ड का वीडियो, तो काफी प्यारा लग रहा है। ये रहा सुबह का व्यू जो आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी ऑस्कर्स और ये हमारे पैरेट्स, ये वहाँ से आराम से बास्किंग करते हुए तो आप देख सकते हैं, आराम से यहाँ पर बास्किंग कर रहे हैं। आप लोगों को बस दिखाना था ये रैंडम क्लिप है बीच में, वो देखिए आराम से बास्किंग के लिए बैठा हुआ है और हमारी सारी फिशेस, और इकवाना तो लाइट जलती है बट वो रोज़ सुबह निकल के बैठ जाता है अपना वहाँ पे, तो वो रोज़ उसको पसंद है ऊपर चढ़ना। ये हमारे महाशय, तो ये था वीडियो हमारा, हमने आज अपने पैरेट्स को भी चेंज कर दिया है इसमें और काफ़ी बढ़िया रहा, और प्लस ये पीछे बैठा हुआ है तो मेरे को भी डरा रहा है, खुद भी डर रहा है बार बार, बिकॉज उसको आवाज़ से एकदम डरता है, मैंने ये नोटिस किया कि वो आवाज़ से एकदम डर जाता है अगर मैं तेज बोलूँ तो गाइज ये फाइनली इसमें चेंज हो गए। अगला वीडियो अगर आपको देखना है कि जिसमें हम ऑस्कर्स को, सॉरी ऑस्कर्स बोल रहा हूँ, फ्लोरोन को ऊपर लाएंगे, जैन गुरामी को नीचे लाएंगे, प्लीज़ डू कमेंट कि मैं जैन गुरामी को फिलहाल नीचे अकेले रखूं कि उसके साथ एक और कोई बाहर पैरेट डाल दूं, तो वो आप जरूर करके बताएं। मैं वो इनफैक्ट कम्युनिटी पोस्ट में वोटिंग डालूंगा, तो आप अपने वोटिंग से बता देना कि जैन गुरामी के साथ फिलहाल कुछ एक फिश डाल दूं थोड़ी सी बड़ी उसके साथ या ना डालूं। एंड अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो गाइस आपने देखा होगा कि ये मेरी पूरी कलेक्शन है, जैसे ये महाशय मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, टर्टल है, ये इंडोर पॉन्ड है, इगुआना है, अंदर आपने फ्लोरॉन, जैन गुरामी, कोई पॉन्ड, मिनी पॉन्ड। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को कम से कम अगर 350 लाइक्स प्लस देते हो तो मैं दूसरा इगुआना भी लेके आऊँगा, तो वो एक्सेप्ट है, बट द लाइक्स हैज़ टू बी मोर देन 350 विद इन टू डेज, तो मैं एक और इगुआना प्लान करूँगा। बाकी अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई चीज़ें चेंज करता रहूँगा, एक हॉबीस्ट हूँ, आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करता रहूँगा ताकि आपको अच्छा लगे और आप इन्जॉय करते रहें। तो यस प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आस पास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।